जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म हसीन दिलरुबा भारत में सबसे ज्यादा बार देखी जाने वाली फिल्म रही है और नंबर वन पर ट्रेंड कर रही है। विनील मैथ्यू निर्देशित हसीन दिलरुबा एक मर्डर मिस्ट्री है जिसमें तापसी पन्नू के साथ विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे ने मुख्य किरदार निभाया है। अब खबर है कि तापसी पन्नू ने एक नई तेलुगु फिल्म साइन की है। इस फिल्म का नाम मिशन इम्पॉसिबल है। फिल्म का निर्देशन स्वरूप RSJ कर रहे हैं जबकि इसका निर्माण निरंजन रेड्डी और अनीश रेड्डी करेंगे। तापसी दो साल बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में लौट रही हैं। इससे पहले तमिल तेलुगु में रिलीज हुई गेम ओवर में तापसी नजर आई थी। दरअसल तापसी ने मंगलवार को मिशन इम्पॉसिबल की टीम को ज्वाइन किया है। इसका एक वर्किंग फोटो भी रिलीज किया गया है। तापसी एक लैपटॉप के सामने बैठी ही परेशान नजर आ रही है। उनका एक हाथ स्लिंग में है। लैपटॉप की स्क्रीन के बैक साइड पर मिशन इम्पॉसिबल के स्पेलिंग को मिशन इम्पॉसिबल कर दिया गया है। वही वर्क फ्रंट की बात करें तो तापसी के पास स्पॉट फिल्म रश्मि रॉकेट है जिसमें वो एथलीट के किरदार में दिखेंगी। जर्मन फिल्म रन लोला रन के हिंदी रिमेक लूप लटपेटा में तापसी ताहिर राज भसीन के साथ लीड रोल में है। यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। शाबाश मिठू महिला क्रिकेटर मिताली राज की बायोपिक है जिसे श्रीजीत मुखर्जी निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म में तापसी पहली बार क्रिकेटर की भूमिका में नजर आएंगे। अनुराग कश्यप निर्देशित दोबारा में तापसी लीड रोल में है। बिग न्यूज 24x7 से संपदा झा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।